लोने लगा जिंदगी का। बैक टू खुशबू की दुनिया। तो जैसे मैंने कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कि मैं आप लोगों को नया क्या दिखाऊं, क्योंकि सारा शूट मैंने दिखा दिया है, सारे आर्टिस्टों को मैंने दिखा दिया, और एक ही जगह शूट शूट कर करके ना मतलब मैं बोर ही हो जाती हूँ, एडिट करने को भी मुझे मन नहीं करता। तो मेन शॉट लेके ना मैं शॉर्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। फिर मैंने सोचा कि जो मेरे पीछे वैनिटी खड़ी ना, क्यों ना उसका टूर करवाया जाए। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे सेट का सबसे छोटा लड़का दीपक, वहाँ से शुरू करते हैं। तो आप लोग मेरे साथ तैयार हो चलने के लिए, तो वीडियो में बने रहिए और चलते हैं हम। Yes. कैसे हो? बढ़िया, A1। और आज का सीन तो आपका मजेदार है, लेकिन हम सीन बता नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही स्पेशल है। तो ये सारी लाइटिंग है, बस एक लाइट में थोड़ी सी तकलीफ है, बाकी तो ये बहुत सुंदर है। अगर हम सारी ऑफ करें, ओनली ये भी रखें, तो इतना मस्त लग रही है वैनिटी। देन ये हमारी जो ब्लू लाइट्स है, इस ब्लू लाइट का ये देखिए गाइस, अच्छी है। अभी तो हम पूरा ही चालू करते हैं, पूरा ही चालू करते हैं हम लोग, पूरा चालू। ये देखिए हमारे दीपक की जो सेट पे सबसे छोटा है, सबका लाडला है। यहाँ पे टीवी लगा है, जो भी फिलहाल दीपक बहुत बिजी है अपने स्केड्यूल लाइफ में, इसे टीवी नहीं देख रहा है। यहाँ पे देखिए हैंगिंग करने के लिए भी कपड़े हम लगा सकते हैं यहाँ पर। और ये 3D पेंटिंग देखिए फ्रेंड, कितना प्यारा बनाया है। ये कोई फ्रेम नहीं है, ये पेंटिंग लगाई। हाँ, पर आप लोगों को ऐसा लगा कि ये फ्रेम है, बट ये मुझे फर्स्ट टाइम जैसे मैं वैनिटी के अंदर आई ना, मुझे ऐसा कुछ लगा, पर ऐसा नहीं, 3D पेंटिंग बनाया है। और ये लाइट्स ऑफ कर दी थी मैंने गलती से, वो ऑन कर दी है। ये ऐसी है हमारी वैनिटी आज की, और ये है शानदार टीवी, जिसको जब भी मानो वो देख सकता है। और अगर हमें सीन से बुलाना है और सीन देख रहे हैं कि बाहर क्या हो रहा है, हम यहाँ पे ऐसे ओपन करके देख सकते हैं बाहर का व्यूज। देखिए पूरा ओपन करिए, पूरा वाओ फ्रेंड, देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और फिर ऐसे करके क्लोज कर सकते हैं नॉर्मली। और जैसे कि आप आए थे तो मैंने यहाँ से देखा कि कौन आया है, सॉरी, ऐसे हम देख सकते हैं यहाँ से भी कि कौन आया है कौन नहीं आया। और ये इसका डोर कितना जेब्रा वाला प्रिंट है, एकदम जेब्रा प्रिंटेड। और क्या बताऊं, ये जो ये तो बहुत सही दिया गया है। तो गाइस एक और चीज बताना, यहाँ पे एक खास करके ये दिया गया है कि जो भी जैसे अभी ये पानी की बोतल यहाँ रख दी है, और यहाँ पे मेकअप का सामान रखा है, यहाँ पे भी कुछ भी रख सकते हैं हम, और जो चाहिए वो इसमें रख दो। अभी मैं इससे निकल गया, मैं अटैच कर दूंगा। तो ये हमारी वैनिटी आज की बहुत सुंदर है, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये सारी लाइट्स है, ओनली ब्लू लाइट ऑन रखते हैं, तो उसका भी एक बार व्यू दिखाता हूँ, एक सेकंड में व्यू दिखाता हूँ आपको। एक सेकंड मेरे को देखना पड़ेगा कौन ये है, या। आप देख नहीं, वो व्हाइट भी बंद करते। ये है हमारी आज की प्यारी सी वैनिटी, जो है इसमें हमारे दीपक छोटा सा क्यूट सा सबका लाडला यहाँ बैठता है। ये ब्लू लाइट्स इसलिए दी गई है कि अगर आपको नींद आ रही है, कुछ भी हो रहा है, तो ओनली ब्लू लाइट्स ऑन करके आप सो सकते हो, तो इससे ज्यादा लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं आएगा आंखों पे, इसलिए ब्लू लाइट्स भी दी गई है एक्स्ट्रा। अब पूरी चालू करते हैं, पूरी। ये और यहाँ पे एक वॉशरूम है, वैनिटीज के अंदर वॉशरूम भी होते हैं। जिन लोगों को लगता है कि वैनिटीज में वॉशरूम नहीं होते, ऑल्सो ये खुशबू की दुनिया दब गई। और ये टेबल है, हम खाना खा सकते हैं, ये एक्स्ट्रा टेबल सामान रखने के लिए, और ये सोफा है सोने के लिए, सोफा है सोने के लिए, और ये मेकअप के लिए, और यहाँ हम स्क्रिप्ट भी रीड कर सकते हैं, और ये तो है ही हमारा सोने का इंतजाम। और फोन चार्ज करना हो तो यहाँ पे प्लग भी दिए गए हैं, दो प्लग जिससे हम फोन चार्ज करके यहाँ पे रख सकते हैं फोन। और ये रहा हमारे एसी का रिमोट, बस इतनी थी वैनिटी। और कचरा वचरा हुआ तो वाटर स्प्रिंग भी रख दिया, तो चलते हैं हम। और वो
वाला बेस्ट है कमेंट के अंदर बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताना। हाँ, और जिसकी वैनिटी बेस्ट होगी उसके सबसे ज्यादा नेम होंगे। यस ठीक है, कमेंट में अगर मेरी वैनिटी अच्छी लगी तो दीपक लिखो, और कोई की अच्छी लगी तो उनका कैरेक्टर नेम लिखो। यस चलो बाय बाय बाय। दलियामा के रूम में गाइस, दीपक का रूम होने के बाद अब हम चलते हैं हमारी दलिया अम्मा। हेलो मैम। हेलो खुशबू। हेलो मैम, कैसे हो आप? बढ़िया। तो गाइस देखिए मैम, हम आपकी वैनिटी दिखाने आए हैं। दिखाओ अपने ऑडियंस को। दिखाइए। तो लाइट्स ऑन करते सबसे पहले फ्रेंड, मैम को परेशान नहीं करते, हमें खुद ही कर दें। ये देखिए, ये है दलियामा की वैनिटी। छोटी सी हमारी वैनिटी, कितनी क्यूट सी है। और सबसे मेन बात, ये अम्मा है लेकिन इनका खाने का बैग, ये देखिए खाने की पिटारा पूरा लेके आती हैं। और ऑन सेट सबको खिलाती हैं, किसी को भी खाने की कमी नहीं होती है। क्यों मैम? खाना तो देना पड़ता है ना भाई, है ना? यस मैम, कुछ बोल लीजिए मैम, कैसा लगा आज की वैनिटी आपको? बहुत ही अच्छी। हम बहुत सारी बातें करने करने हमारे बीच सैली मैम आ गई है। मैम बैठिए, खाने का देखो पहला ग्राहक, नीचे देख नीचे, ये देखिए गाइस पहला ग्राहक आ गया खाने। अरे बेटा उसमें देखिए गाइस, मैंने बोला जैसे अम्मा बास्केट उठा लेना। दीपक आ गया, हाँ चेयर पे रख। पहले मुझे कमेंट करके ये बताओ कौन की वैनिटी विन कर रही है। तो सबसे पहले अम्मा क्या समस्या कर रही हो, तो और वो भी लेके जा। ये देखो, ये देखो गाइस, बड़ा बड़ा डब्बा है बड़ा, थोड़ा मुझे भी दे देना। हाँ वो लेके जाओ। तो गाइस ये मटेरियल किसी और को दिया जाए, सबसे पहले हम लोग भी थोड़ा सा ले लेते हैं। लोकेशन वीडियो क्या है? सच है, देखो इसकी शक्ल, फिर से अपना कैमरा। तो अम्मा ने खाना को लिया, आपने समाज सेवा कर लिया, कुछ बातें बोल दीजिए दो शब्द। आप पूछो तो मैं बताती हूँ। सेट पे शूट करके अच्छा लगता है कि आउटडोर में शूट कर? अरे मैम मुझे सेट पे अच्छा लगता है शूट करना, आउटडोर में हालत खराब होती है, धूप लगती है, धूप में टायर्ड हो जाते हैं, तो इसके लिए सेट पे, हमारे सेट पे मुझे अच्छा लगता है, वहाँ पे घर के जैसा लगता है। तो गाइस आगे की बातचीत हम बाद में करेंगे, आज हम सिर्फ वैनिटी टूर करवा रहे हैं, क्योंकि अगर वैनिटी टूर में अगर मैं बातचीत करने बैठ जाऊंगी तो वीडियो बहुत बड़ी होगी और आप लोग वीडियो देखोगे नहीं। तो हम सबसे पहले एक सरप्राइज, एक हम भूल भुलैया वैनिटी में जा रहे हैं, जहाँ पे वहाँ पे आपको कौन देखने को मिलता है, तो वीडियो में बने रहिए। तो गाइस ये जो जेब्रा दिख रहा है ना, जेब्रा के पीछे एक राज है, राज यहाँ पे डलिया अम्मा हमारी है। और ठीक चलो, ये देखो गाइस कौन है, इनको आप पहचानती हो? कमेंट करके बताना इनका नाम क्या है, इससे मैं पहचानूंगी आप लोग मेरा वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो। हेलो मैम, ये शैली मैम की वैनिटी है, बहुत छोटा सा है इनकी वैनिटी। और कैसे जा रहे हैं आप? खुशबू की दुनिया चल रहा है मैम, आप लोगों के आशीर्वाद से। थैंक यू मैम। Do like, share, subscribe my YouTube channel खुशबू की दुनिया। और ये वैनिटी को भी वोट करो कि वैनिटी इतनी छोटी सी है। 10 आउट ऑफ कितने देना चाहोगे ये वाली वैनिटी को? अम्मा वाली भी, मेरी वाली भी। और हमारे स्टाइलिश, हमारे मैनेजर, हमारे पीए उधर बैठे हैं, प्लीज उनको भी दिखाया जाए। ए हमारी दीपक की मॉम। ये वैनिटी की एंड यहीं पे करते हैं, अब हम चलते हैं दूसरी वैनिटी में, क्योंकि काफी रात हो जाएगा, फिर वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगे, तो मिलते हैं हम आपसे। तो गाइस हमारे जनार्दन सर ने घर से गून कर लाए, और देखो मच्छियों को खाना खिला रहे। ये है मर जटी, यहाँ पे हम कितनी बार शूट कर चुके हैं, और ये देखिये अच्छा था गून आपने, वेरी गुड, आपको इनाम दिया जाएगा गाइस, आपको यही। जोधपुर से ना? सही बोला ना मैंने? जोधपुर। ओ सॉरी, हमारे साथ जोधपुर से, सॉरी गाइस, जो भी जोधपुर से, जो भी इनको प्यार लाइक करे ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए, कि हमारे सर ऐसे ही फिश को खाना खिलाते रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाते रहूं। और ये देखिए गाइस मैं चली, तो
गाइस यहाँ पे गाना कौन गा रहा है पता नहीं, बहुत भीड़ मची हुई है। ये बहकी निगाह लो आने लगा जिंदगी का मजा, ये रातें ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए, नजर बदन सब कुछ तेरे पास है ये मुझे प्यास है, नशा नजर बदन सब कुछ तेरे पास है। तो दीदी उनकी क्या कहती है, खंबा तो बात हो खाना स्वामी, पहले ये बताओ कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। तो जगदीप साहब कहते हैं पीली साड़ी काला रंग मुझे तो तुम ऐसी लगती हो जैसे सरसों के खेत में भैंस खड़ी हो, मुझे ऐसे लगते हो जैसे किसी ने उजड़े हुए बाजार से मोमबत्ती जला दी हो। थैंक यू वेरी मच। किसी को किसी की खबर तक कहाँ है, हर दिल में देखो मोहब्बत जवान है।